हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीनू और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये ओल्ड फर्नीचर मेकओवर की वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे मैंने अपनी ये लगभग 20 से 25 साल पुरानी टेबल को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है और दिया है न्यू एंड बिल्कुल मॉडर्न लुक, वो भी बहुत ही आसानी से। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि ऐसी ही इजी एंड अमेजिंग DIY मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी पुरानी पड़ी हुई इस टेबल को सैंड पेपर से थोड़ा थोड़ा, जो इसमें पुराना पेंट होगा ना, उसको घिस लूँगी और फिर कपड़े से, गीले कपड़े से मैं उसे साफ़ कर दूँगी। ये वाइट जो इसमें आप पेंट लगा हुआ दिख रहे हैं, एक्चुअली ये मैंने सबसे पहले इसमें प्राइमर लगाया। प्राइमर जो लगाने वाली मेरी वीडियो थी वो थोड़ी सी वीडियो डिलीट हो गई, पर चलिए कोई बात नहीं। मैंने इसमें ये लगाया है प्राइमर, जैसे मेकअप करने से पहले ज़रूरी होता है ना प्राइमर लगाना, इसी तरीके से पेंट करने से पहले भी अगर हम प्राइमर लगाएंगे तो वो पेंट बहुत ही अच्छा टिका रहता है और अच्छा भी कवरेज उसकी बहुत अच्छी होती है। अब मैं प्राइमर सूखने के बाद और पूरी तरीके से टेबल साफ़ करने के बाद इसमें वाइट पेंट कर दूंगी। वाइट पेंट ये चॉक पेंट है, ये कोई ऑयल पेंट नहीं है। ऑयल पेंट एक्चुअली सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, और ये जो चॉक पेंट होता है ना, ये बिल्कुल जैसे दीवार पे पुट्टी काम करती है ना, छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे से छेद या कुछ भी चीज़ें होती हैं उसको वो कवर कर लेती है। इसी तरीके से फर्नीचर में अगर हम चॉक पेंट करेंगे तो छोटे छोटे जो इसमें छेद होंगे या टेबल जो भी ख़राब होगी उसको ये कवर कर लेगा। तो मैं अच्छी तरीके से ये चॉक पेंट वाइट कलर का इसमें कर दूंगी। आजकल के जितने भी फर्नीचर हैं वो तो आपको पता ही है, वो सारे बोर्ड पे बनते हैं या इंजीनियरिंग बोर्ड जो कहते हैं उस पे बनते हैं, लेकिन ये 20-25 साल पुरानी मेरी घर पे पड़ी हुई थी। ये बचपन से हमने इस टेबल को देखा है कि ये टेबल थी और ये बिल्कुल ऐसी ही थी, क्योंकि ये उस ज़माने में बहुत अच्छा फर्नीचर जो बनता था ना, ये शीशम की लकड़ी की बनी हुई है, इसलिए ये आज तक भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये ओल्ड फैशन हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक नया खूबसूरत सा लुक दिया जाए, और इसके बाद फिर से ये 8-10 साल और अच्छे से चलेगी। ये नीचे और साइड में ही मैं पेंट करूंगी, जो ये इसका टॉप का पार्ट है उसको मैं छोड़ दूंगी, और आप देखते रहिए कि उसमें मैं क्या करने वाली हूँ। वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वहां पे हम क्या करेंगे, पेंट नहीं करेंगे तो ये देखिए, ये पहला कोट के बाद मैंने अब ये दूसरा कोट भी कर दिया है। दूसरा कोट करने के बाद भी आप इसको पूरी तरीके से अच्छे से सुखा लेंगे, और अच्छे से सूखने के बाद अब मैं इसके ऊपर से कर दूंगी वार्निश। ये ट्रांसपेरेंट कलर का किसी भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है ये वार्निश। इसके ऊपर करने से क्या होता है कि ये पेंट बिल्कुल सील हो जाता है और सालों साल चलता है, इतनी जल्दी से ना ये ख़राब नहीं होता, ना इसकी पपड़ी निकलती है, क्योंकि हमने ऑयल पेंट तो किया नहीं है, चॉक पेंट किया है, वो आसानी से ना निकले, उसके लिए हमने इसको बिल्कुल वार्निश लगा के सील कर दिया। और इससे फर्नीचर में शाइन भी आ जाएगी। ये टेबल बिल्कुल सूख के रेडी है। अब है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि हम इसके टॉप में क्या करने वाले हैं।
आजकल अपने मार्केट में देखा होगा कि जब आप फर्नीचर की शॉप में गए होंगे तो बिल्कुल स्टोन वाले, पत्थर वाले फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल चल रही है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना वही बनाई जाए। ये मेरी, तो इसके ऊपर से मैं रख दूंगी ये बड़ी बड़ी 2x2 की टाइल्स। ये टेबल मेरी 2 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी है इसकी लंबाई, तो इसलिए मैंने ये 2x2 की 2 टाइल्स इस पे रख दी। वैसे 2x4 की टाइल्स भी मिल जाती है लेकिन मुझे मार्केट में नहीं मिली तो मैंने यही लगा दी। और ये देखिए ये बहुत ही मजबूत भी है। पहले मैंने इसे सोचा था कि मुझे ये टेबल पे चिपकानी पड़ेगी, शायद ये क्रैक होने का डर होगा ये, लेकिन जब मैंने इसको लगाया इस पे तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, वो बिल्कुल इसके ऊपर रखते ही बिल्कुल फिट हो गई। ये देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है ना कि हमने 2 पीस टाइल्स के लगाए हैं। आप चाहे इसके ऊपर बैठिए कूदिए, ये नहीं टूटने वाली, ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाती है। तो ये देखिए दे रही है ना ये आपको बिल्कुल ही एक्सपेंसिव वाला खूबसूरत सा मॉडर्न लुक। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आगे भी आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर का लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए और आप भी ट्राई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।